दोस्तों स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। गाइस एक शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हैदराबाद एफसी ने ड्यूरेंट कप 2024 से पुल आउट कर लिया है। सो इसके पीछे एक सीधा सा मैटर है क्योंकि हैदराबाद एफसी के ऊपर काफ़ी सारे सीरीज ऑफ ट्रांसफर बैन लग चुके हैं, 10-10 ट्रांसफर बैंस, एंड ऑलरेडी वो टीम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। सो गाइस उन्होंने आज ही फ्राइडे को ड्यूरेंट कप से पुल आउट कर लिया है। हैदराबाद एफसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गोपाल कृष्णन, उन्होंने खुद फ़ोन कॉल पर ड्यूरेंट कप के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बात की और कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंग 18 प्लेयर्स की टीम चाहिए, लेकिन भाई मैं असमर्थ रहा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 13 ही प्लेयर्स हैं। सो इसीलिए उन्होंने पुल आउट कर लिया और ये रिपोर्ट हमें न्यूज़9 से मिली है। उन्होंने बताया है कि ड्यूरेंट कप की जो एफ ग्रुप है वहाँ पर भाई किसी और टीम को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद श्रीनिधि डक्कन हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पहले भी नाम दिया था, जैसे कि बांग्लादेश आर्मी जो टीम थी वो बाहर हो गई थी जमशेदपुर एफसी वाले ग्रुप से। सो गाइस मुझे लगता है कि श्रीनिधि डक्कन ही हो सकते हैं उनके रिप्लेसमेंट यहाँ पर। आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि भाई शटडाउन हो सकता है हैदराबाद एफसी का आईएसएल से, क्योंकि कोई भी ब्रांड एम्बेसडर या कोई भी भाई पैसे वाला बंदा यहाँ पर आया नहीं है हैदराबाद एफसी को उठाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।